हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो अभी मैं फिर एक फ़ोन आपके पास लेकर के आया हूं, और ये भी फ़ोन हमारा लाइव रिपेयर होगा। और इसमें भी क्या दिक्कत है कि ग्राफिक नहीं आ रहा है। चलिए इस फ़ोन को हम थोड़ा चालू करते हैं। तो फ़ोन हमारा वाइब्रेट किया, लेकिन ना कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, कुछ आ नहीं रहा है डिस्प्ले में। तो इसका भी क्या दिक्कत है इसमें? चलिए, हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, मैं आपसे इनको मिलवाता हूँ। ये क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। क्या दिक्कत है इसमें? सर, इसमें डिस्प्ले का लाइट चला जाता है, कल कल रहता है, चले जाता आप कोशिश किए बनाने का? जी क्या हुआ, नहीं बना? नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखिए, हमारे कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, तो क्या आप कोशिश किए बनाने का इसको? ट्राई तो नहीं किया। ओके, आपने कोशिश नहीं किया, आपने किया बट हुआ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम इस फोन को देखते हैं कि ये इसमें क्या दिक्कत है। तो सबसे पहला कि हमें इस फोन को डिसेंबल कर लेना है स्क्रू ड्राइवर। अब उतना और आपने क्या बताया कि ये फोन सर्विस सेंटर से रिटर्न है? हाँ, जोर से बोलिए। जी, सर्विस सेंटर में गए तो वहाँ से बोला 2,000 रुपया लगेगा, उसके बाद हम इसके जा सकते होगा या नहीं, ट्राई करें। अच्छा, 2,400 लगेगा, और होगा कि नहीं होगा इसका भी कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, सर्विस हम मटर को ही मटर का बोला डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा। तो आपने न्यू डिस्प्ले भी तो डाल के देखा हुआ? नहीं हुआ? नहीं डाल, आप डेल के नहीं देखा? सही था। अच्छा, ठीक है। तो ये बोर्ड हमारे पास है, हमने इसको खोल लिया। मॉडल क्या बताया आपने? रेडमी सेवन। ठीक है, चलिए हमने रेडमी सेवन को डिसेंबल कर लिया है। अब इसमें क्या दिक्कत है कि डिस्प्ले आ ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं डिस्प्ले आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है हमारे रिपेयरिंग का, कि जब फोन अगर आपके पास कहीं से रिटर्न आए, चाहे सर्विस सेंटर से या फिर किसी शॉपकीपर से, तो हमारा जो मेन काम है वो सबसे पहला काम है आई स्कैन करके देखना कि आखिर इस बोर्ड में क्या हुआ है, और किसी ने कोई काम भी किया है, ये चीज़ हमें पहले यहाँ से नोटिस करना है। ठीक है, तो हम पहले मदरबोर्ड को पहली अच्छी तरह से तहकीकात करेंगे कि हमारे बोर्ड में आखिर किसी ने काम किया है, तो वो काम किया हुआ जगह हमको दिख जाए। पूरी बोर्ड को तहकीकात कर लें कि आखिर इसमें कहाँ काम हुआ है। बोर्ड तो ठीक है, कहीं पे लग रहा है कि कोई काम वगैरह नहीं हुआ है फोन के अंदर। थोड़ा सा लग रहा है कि वाटर इफेक्टेड है ये फ़ोन। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको लग रहा है कि ये फ़ोन हमारा वाटर इफेक्टेड है, पानी में गया है। चलिए, तो देखने से लग रहा है कि आखिर ये फ़ोन पे काम नहीं हुआ है, सिर्फ इसे खोल करके देखा गया है। इसका डिस्प्ले बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, डिस्प्ले इसका आ ही नहीं रहा है। तो हम देखेंगे कि आखिर इसका डिस्प्ले का जो सबसे आसान सा तरीका है अभी, कि ना कुछ समझ में आए तो जी आर वैल्यू लीजिए, है ना, और जी आर वैल्यू अवेलेबल है। तो चलिए मैं जी आर वैल्यू के द्वारा ही पकड़ के आपको दिखाता हूँ कि पहले हमें उससे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आएगा फिर हम लोग हॉट टेस्टिंग करेंगे, यानी कि हम अपना डिस्प्ले का सबसे पहला 1.8 वोल्ट को ढूंढेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा डिस्प्ले जब डिटेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ना लाइट आ रहा है ना ग्राफिक आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हमें तो सबसे पहले डिस्प्ले का मेन सप्लाई चेक करना पड़ेगा। उससे पहले ना हम एक बार इसका नॉर्मल जी आर मिला लेंगे कि कहाँ हमें क्या मिलनी चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्कीमेटिक के द्वारा, इसको थोड़ा कवर कर बताऊं तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर स्कीमेटिक का हेल्प लूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये रेडमी सेवन, चलिए अवेलेबल है। रेडमी
Redmi 7 का ये LCD का PDF है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमारे LCD को काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए, ठीक है। जहाँ आप देख रहे हैं 1.0, ये LCD का VCC, ये सप्लाई हमारे LCD को चाहिए काम करने के लिए 1.8 वोल्ट। सबसे पहला ये नीड वोल्टेज है हमारे लिए, अगर ये आएगा उसके बाद ही हमारे डिस्प्ले का डिटेक्ट होगा ID 0 ID 1, ठीक है। और बहुत मजे की बात है कि इसमें थर्मल भी दिया हुआ है, अगर डिस्प्ले हमारा ना काम करेगा तो हमें इसका थर्मल भी देखना पड़ेगा। तो नो टेंशन, सबसे पहले हम इसका आसान शब्दों में समझाने के लिए हम इसका ना डायोड वैल्यू से चलते हैं, फिर हम वोल्टेज टेस्टिंग में जाएंगे। अगर डायोड वैल्यू से हमारा मामला सुलट गया तो ठीक है, नहीं तो हम चलेंगे हॉट टेस्टिंग के द्वारा। तो इन्होंने तो डायोड वैल्यू दिया नहीं है, यहाँ पे डिस्प्ले सेक्शन का डायोड वैल्यू उन्होंने नहीं मेंशन किया, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम इसका मीपी लाइन से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये ग्राउंड है 248 250, ये ग्राउंड है 250। अगर आपका ट्वीजर या प्रॉप सही से अटैचमेंट नहीं बना रहा है तो आप इसके स्थान पे सुई वगैरह इस्तेमाल ले सकते हैं। देखिए, ये हमारा मिसिंग है, ये सही है, ये मिस है। चलिए, ये देखिए प्रॉपर नहीं है, ये मिसिंग है, ये हमारा प्रॉपर है, आराम से आ रहा है, ये हमारा देखिए वीक है, ये ठीक है, ये 249, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सही है, ओके, सही है। तो जहाँ सही होगा वो आपका इजीली आपका वैल्यू आ जाएगा। चलिए, इसमें नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमें तो कम से कम एक मीपी लाइन मिला जिसमें कि हमारा इजीली वैल्यू नहीं आता है, ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे इधर से, ये लाइन हमारा कनेक्ट है तो इसमें वैल्यू है, ये नहीं है, यहाँ भी हमारा है, इधर भी, ये हमारा ग्राउंड आ रहा है। चलिए, वैल्यू तो है, कहीं मुझे थोड़ा वीक वैल्यू मिला है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर जहां मुझे वीक वैल्यू है तो उस चीज को एक बार हम रिसोल्ड करेंगे और कनेक्टर को अच्छी तरह से देखेंगे कि हमारा प्रॉपर कनेक्टिविटी बना रहा है या नहीं बना रहा है। या फिर आप पतला ट्वीजर लेकर के देख सकते हैं कि कोई हमारा इसका जो स्ट्रिप है यानी जो पॉइंट है वो लूज तो नहीं है। इधर तो ठीक है हमारा स्ट्रिप, दूसरे साइड देख लेना। और देखिए, एक चीज और भी है कि इसका इधर का जो कम्युनिकेशन है वो सब ओके है, सिर्फ इसका ना मीपी का कम्युनिकेशन में इशू है। और मीपी का अगर क्लॉक लाइन हमारा इशू होगा तो डिस्प्ले बिल्कुल नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा डिस्प्ले में, ठीक है। तो हमारा जो ये वाली लाइन है ये क्लॉक है जिस वजह से इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हम एक बार क्लॉक लाइन को रिसोल्ड करेंगे और उसके बाद इसको चेक करेंगे। कोशिश करें कि आपका सोल्डिंग आयरन एकदम बारीक हो। ठीक है, एक साइड का वैल्यू हमें ठीक ठाक मिला था तो हम उस साइड कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। बोर्ड को सफाई कर लेना है, जो भी हमारा पेस्ट है वो निकल जाएगा। अब हम एक बार देखेंगे कि जहां हमारा वीक कनेक्टिविटी था वो सही हुआ है नहीं, या वहां अभी भी वैसा ही है। काफी छोटी छोटी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अब मैं यहाँ ईजी कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिए आराम से हमारा यहाँ जो कनेक्टिविटी है वो बन रहा है। तो इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। जो
जो मीपी लाइन होता है उसमें हमारा डाटा और क्लॉक होता है, तो डाटा अगर मिसिंग रहे तो आपका कुछ ना कुछ ग्राफिक्स बन जाएगा थोड़ा या कुछ ना कुछ, लेकिन अगर क्लॉक मिस हो जाएगा तो कुछ भी ग्राफिक आपका नहीं बनेगा। तो इस फोन का देखिए बैटरी लो है बट हमारा डिस्प्ले आ गया है। चलिए मैं इसको एक बार चार्ज में कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो कितना आसान होता है अगर हम लोग स्टेप फॉलो करें तो, यानी तरीके से चले तो, और अगर हम तरीका से ना चलें तो यही चीज़ हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो ये फ़ोन देखिए चार्ज ले रहा है, अब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए एवरीवन, उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा कि बीमारी कितनी भी बड़ी हो लेकिन उसका सोल्यूशन ना बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको देखने की जरूरत है। ओके, थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को।